और मैं फिकर। अरे थोड़ा सुनना, तालियां बजा आप लोगों की। एवरीबॉडी मेक सम नॉइस। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। छुट्टा नहीं, इन्होंने बोला छुट्टा नहीं, कोई बात नहीं, आगे जाता हूँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। सिर्फ तुम ही हो, बस तुम ही हो, जिंदगी चैन भी, अंगूठी भी, परस भी। अगर नहीं देंगे पैरों में गिर जाओ। तुम ही हो तो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई लव यू। एकदम एक को हटा देना, फ्लैट रख लेना। और आइए दोस्तों, अब मैं मेरा खास और मेरा फेवरेट आइटम पेश कर रहा हूँ। ये आइटम मेरा खास और फेवरेट इसलिए, ये आइटम मैं जहां भी जाता हूँ एक बार करता हूँ, दो बार करता हूँ, तीन बार करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मत कर तो भी करता हूँ। ये मेरा फेवरेट आइटम है। ये आइटम जब हम और आप बच्चे थे, हम लोग कैसे होते थे, जैसे जैसे फिल्म स्टार, ये लोग बच्चे थे, ये लोग कैसे होते थे। आवाज बच्चे की स्टाइल वही, जब शत्रुघ्न सिन्हा पैदा हुआ होगा कैसे रहेगा। आवाज बच्ची के स्टाइल में पसंद आए तो जरूर ताली जमाओ। बचपन में शत्रु कैसे रहे थे, आवाज बच्ची के स्टाइल में पसंद आए तो जोरदार ताली मिलेगी। तो बचपन में शत्रु जी कैसे रहे थे, दादा मुनि अशोक कुमार, अशोक कुमार जी पैदाइशी बीमार झूले में कैसे रहे होंगे। शाहरुख खान घमंडी वाला, एक अंकल शाहरुख खान को प्यार कर रहा, मेरे बच्चे मेरे लाल, शाहरुख खान ने घमंड के अंकल ने छुट्टी बदली, सबसे पहले झूले के अंदर छोटा शाहरुख खान अंकल प्यार कर रहे। ले 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 ले। ले 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 ले। अबे तेरी तो सबसे लकी बच्चा देवानंद, पैदा होते ही हर नर्स की गोद में खेल के रोया, हॉस्पिटल की एक नर्स को नहीं छोड़ा, सबकी गोद में जा के रोया। जो नर्स काम पे नहीं आया उसी घर पे जाकर रुक गया, देव साहब पैदा होते ही। एक नर्स के मुंह में गई थपा, तभी से देव साहब ऐसे थे। अच्छा ये बताइए, आप लोग हिंदी फिल्में देखते हो, जोर से बोलो। मैं बोलता हूं मत देखो, पूछो क्यों। हमारी हिंदी फिल्में इतनी बकवास होती, हिंदी फिल्मों में किसी भी हीरो को गोली लगती है वो जल्दी से मरता नहीं, डायलॉग बोल के मरता है, गाना सुन के मरता। कितना बड़ा स्टार हो, राजकुमार साहब को लेगी 7-8 गोलियां, राजकुमार जी पहले गाड़ी निकालेंगे, फिर घर पे जाएंगे, फिर बीबी से 2-4 बातें करेंगे, उसके बाद मर गए। राजकुमार सबसे पहले गोलियां लगी, राजकुमार जी पहले गाड़ी, राजकुमार साहब गाड़ी से उतरे, गोली लगा घायल राजकुमार, अपनी बीबी को आवाज लगा रहा घायल राजकुमार। राधा ये देखो बंदे को गोली लगी, फिर उसकी अगर देखो, राधा कहाँ हो तुम। राधा टीवी देख के टेंशन में, ये क्या हुआ कैसे हुआ। नहीं राधा, हम मरने वाले नहीं है, हम नहीं मरेंगे। वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ जो पर्वत के पीछे झरने के बीच मंदिर के पास गाते थे, वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ। उसकी बीवी गाना सुनाएगी, उसके बाद ही मरेगा। ये तो कुछ भी नहीं, मिथुन चक्रवर्ती को गन मशीन से मारा, मिथुन तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे।
अरे मर। आप लोग इंग्लिश फिल्में देखते हो? मैं भी देखता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती फिर भी देखता हूँ। इंग्लिश फिल्म देखने के लिए इंग्लिश आना जरूरी है, मेरा खुद का मानना है, क्योंकि इंग्लिश फिल्म में हीरो कौन होता है, विलन को पता नहीं, दोनों गोरे चिकने होते हैं, और इनकी डायलॉग डिलीवरी जैसे वो नीम का पत्ता खा, मुंह बिगाड़ के बातें करते हैं। गोली चली पता नहीं क्यों, इनकी फिल्म में वार्निंग नहीं होती है, हमारी हिंदी फिल्म में वार्निंग होती है, रुक जा भैया, भैया रुक जा, भैया रुकता भी नहीं, गोली चलती भी नहीं। आप लोग साउथ की फिल्में देखते हो? साउथ की फिल्में, हिंदी फिल्में, इंग्लिश फिल्में, सब फिल्मों का बाप, इसमें डबल पैदल बाप। वहां पर रजनीकांत साहब खड़े, यहां पर विलन, विलन ने गोली चलाई, गोली निकल चुकी, गोली रास्ते में, तब तक रजनीकांत अपने सारे कान उठेगा, पहले गॉगल, मफलर, सिगरेट, गोली एकदम करीब आ गई, रजनीकांत, गोली रुक गई, रजनीकांत आगे बढ़ते, गोली पीछे, विलन, गोली, रजनीकांत, ये नड़ा, गोली घुमा दी, मर गया। और इससे बड़ी फेकमक सुनिए, हाँ बोलो, बंदूक एक, गोली एक, विलन दो, भगवान भी नहीं मार सकता पर रजनीकांत मारेगा। सामने तो विलन, रजनीकांत ने गोली चलाई, वो भी बिना देखे हुए, गोली निकल चुकी, गोली रास्ते में, रजनीकांत अपने सारे कान उठाए, गॉगल, मफलर, सिरर, गोली एकदम करीब गई, बाद में चाकू निकाला, गोली के दो टुकड़े, ये तो कुछ भी नहीं, इसमें चाकू की ईमानदारी देखो, चाकू रिटर्न आ रहा है, माइंड है। और इससे बड़ी फेकम बक सुननी है, इस बार तो रजनीकांत के बंदूक में गोली नहीं है, खाली बंदूक। अब सोचो सामने वाले को कैसे मारेगा, सबसे पहले सामने वाले विलन ने गोली चलाई, गोली निकल चुकी, गोली रास्ते में, रजनीकांत अपने सारे कान उठाए, गॉगल, मफलर, सिगरेट, गोली एकदम करीब आ गई, रजनीकांत स्टॉप, गोली रुक गई, रजनीकांत अपनी खाली बंदूक निकाली, बंदूक को सामने लिया, गोली आई, बंदूक को खोला, गोली अंदर गई, बंद किया, हो गया। अब मैं चाहूंगा कोई भी एक महिला रंगमंच पर आ सकती है, एनी लेडी, स्टूडेंट, टीचर्स, कोई भी, कोई भी, कोई भी एक लेडीज, एक मिनट, एक मिनट, मेरे पास रामबाण है, अभी अब आएगा, कोई भी आएगा, कोई भी एक सुंदर महिला रंगमंच पर आ जाए, पूरा स्टेज भर जाएगा, आइए आइए, कोई भी, कोई भी, एक स्टूडेंट आ जाए, स्टूडेंट आ, क्या बात है, जोर बता रहे, वहां तो सुंदी है कि नहीं, वहां पर सीढ़ी है, इतनी ताली, इतनी सीढ़ी तो मेरे लिए बजाई नहीं आप लोगों ने, लड़की आगे दे जान देने के लिए तुले गए, तो आपका नाम क्या? मेरा नाम नितिका चौधरी है। अरे तू तो आ गए, अब किसी प्रभु में ये दुविधा हो गई, आप टीचर? अच्छा हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम सर, दुविधा होगी किसे रखू मैं सर, बताइए रंजीत साहब, दोनों, ओके, आपका नाम क्या? नितिका चौधरी। आपका नाम? ममता किच, ममता किचड़, ओके, ममता जी, नितिका, मैं बताना चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ा, मैं ये कॉमेडी मेरे बस की बात नहीं, आई एम नॉट कॉमेडियन, ये पता नहीं मुझे सर ने क्यों बुलाया है, असली काम है आई एम ए मैजिशियन, मैं जादूगर हूँ, मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूँ, जादू से आपके बच्चे को गायब कर सकता हूँ, जादू से आपके मम्मी पापा को गायब कर सकता हूँ, जादू से लाइट, कैमरा, टीवी, सब गायब कर सकता हूँ, जादू से मैं आप दोनों को लड़की से लड़का बना दूँ,
ऑडियंस बना दू। अभी हार बोल रहे इनको तो पूछ लो जिनको पढ़ना है। बना दू ओके फिर इनको पूछते जादू से लड़का बना दू चलेगा? नो सर। आपको? सब चलेगा। घर में दुखी हो तुम? ओके मस्ती कर रहे। मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये तो मस्ती कर रहा हूँ पर असली जादू मेरा जो मैजिक है जादू से मैं आप दोनों के पैरों में घुंघरू पायल बांधूंगा। आप सभी लोग मेरे साथ मेरा मैजिक मंत्र बोलना गिली 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 दीपान चढ़ूंग दोनों को पैरों में घुंघरू आजा। आया मैम? मना कर रही है। आया बेबी मना कर रही है लेकिन मैं बोलता हूँ आया है। ये जादू को घुंघरू दिखता है नहीं सुनाई देता है। तो सबसे पहले मैम मैं आपसे शुरुआत करता हूँ है या नहीं आपको वॉक करना होगा वहां से रिटर्न आना है चेक करते हैं बाद में आप जाना पहले इनको जाने दो। एक मिनट मैम मैम आप कहाँ रहती है सीकर में कहाँ रहती है? जस्ट एकदम कॉलेज के पीछे। ओके सीकर में कॉलेज के बिल्कुल पीछे रहती है वहां से घुंघरू आ रहे हैं आ गए वॉक कीजिए। घुंघरू है अब आप कितना मस्ती कर सकते हो मस्ती कीजिए। घुंघरू जैसे आप मस्ती करोगे जैसे आपके पैर चलेंगे वैसे मेरे घुंघरू चलेंगे। एक मिनट रुक 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 आप कहाँ रहती हो? आनंद नगर में सिक्करी। आनंद नगर में सिक्करी ओके आनंद नगर के घुंघरू आ जा। अरे मुझा सांस तो लेने दे। दोनों के लिए जोरदार तालियां। अब आप लोग एकदम आराम से साथ में जाना ताकि दोनों घूर शादी है एकदम आराम से कहां से उतरेंगे आप? दोनों के लिए जोरदार तालियां। अब आप लोग एकदम आराम से साथ में जाना ताकि दोनों घूरू शादी है एकदम आराम से कहाँ से उतरेंगे आप? जहाँ से उतरेंगे दोनों के अब भाग सकती हूँ बिंदास। अरे रुक जा सांस ले। ओके 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 सबसे पहले क्या नाम बताया था? निकिता। जो आपके पास राइट लेग वाला घुंघरू फेंको मेरा कल भी शो है देना रिटर्न देना फेंको फेंको ऐसे फेंको जैसे मैंने उल्लू बना आपकी उल्लू बना ऐसे मैम का गई मैम गई मेरा घुंघरू ले गई कहाँ गई मैम जोर से फेंको। अरे सर उठा के देना सर नीले जैकेट देखो उनको दिखाई दिया। थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आइए दोस्तों अब बारी है मेरे दोस्त मेरे भाई सुमित। हाँ जी सर। हाँ दोस्तों एकदम भैया ऐसा सत्य का फूल किसका निकला अभी आपने लीफलेट रखने का क्योंकि एक ऑलरेडी वहाँ से आ रहा है ना। दोस्तों सर मैं आपके पास एक लिस्ट है जी इसमें टोटल 52 एक्टरों के नाम है। दोस्तों मेरा सपना है
जब ये आइटम शुरू किया था मैंने, मेरा सपना था कि ये आइटम कुछ चमत्कार कर कुछ करे। इस आइटम में भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, तालियां अच्छे से कमाल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है, वर्ल्ड फास्टेस्ट मिमिक आर्टिस्ट, जोरदार तालियां। और मुझे खुशी थी कि मैं भी राजस्थान से हूँ, एक राजस्थान का नाम थोड़ा सा रोशन किया मैंने। बिल्कुल, और जोरदार तालियां। हाँ, और मेरा सपना है, मुझे लगता है कि अब ये आइटम गिनीज बुक के काबिल है, मुझे लगता है। एक बार और जोरदार तालियां बजाओगे तो जाएगा। हाँ सर, आपको जितना स्पीड नाम पढ़ोगे स्पीड में वॉइस चेंज करूंगा। वर्ल्ड फर्स्ट में मेरा नाम आया, वही सटंग जरिए मैं सिकावत इंस्टीट्यूट में आपका सबका स्वागत करूंगा। आप लोग की दुआ है, आप लोग अशोक मेरे साथ है। अगर आपको लगता है ये आइटम गिनीज बुक के काबिल तो मुझे ताली देना, मिलेगी ना? डन। इसमें मैंने थोड़ा कठिन किया, इसमें मैंने सिंगर भी डाला है। ठीक है सर, बहुत गुड। एक्टर की मिमिक्री के लिए आपने सिंगर, एक्टर की मिमिक्री की सिंगर है। रेडी? स्वागत मेरी तरह से मैं बोला क्या बैठूंगा आके कि रंजीत साहब मेरे सामने सॉरी लीवर बाबा रंजीत बाबू संजय। अरे संजय को अब मैं नंबर चल बड़े टेंशन ले गया सुनीकर बाबा। मैंने बोला कहा था मैं तुझे आपका स्वागत किया कि मैं अशोक कुमार ध्यान से सेकंड सेट में आपका स्वागत है। धर्मेंद्र एक का खून पी जाऊंगा ताली पंजे पे ताली पंजे पूरे पंजाब थैंक यू। जादू है ओमपुरी के नाम ओमपुरी।